उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र के नोडल अधिकारी एस एल शर्मा ने नए बस स्टैंड व पुराने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक सहायक क्षेत्रीय सेवा प्रबंधक को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। मथुरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र के नोडल अधिकारी एस एन शर्मा ने किया वर्कशॉप व नए बस स्टैंड व पुराना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। साथ में रहे क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा, सेवा प्रबंधक अनुराग यादव, वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल। पुराने बस स्टैंड पर जो भी कमियां जैसे कि पंखे, टीवी, रोड पर बस लगाकर सवारी बैठाना पाई गई, वहां इंचार्ज स्टेशन प्रभारी को आदेश किया कि आगे से अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो स्टेशन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अनुबंधित मालिक अगर बस स्टैंड पर आते हैं तो उनकी गाड़ियों का अनुबंध समाप्त किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं बीच में आकर के बिना बताए आऊंगा और निरीक्षण करूंगा। अगर अनुबंधित बस चालक ने स्टेशन प्रभारी के बिना मर्जी के बस का संचालन किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और बस स्टैंड के अंदर से सवारी बैठा कर और बस स्टैंड के अंदर से सवारी बैठाई जाएंगी। बस स्टैंड के बाहर निकल जो गाड़ी रोड पर खड़ी करके सवारी बैठालता पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो बस एक रूट पर चल रही है वह उसी रूट के बीच की सवारी नहीं बैठाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मून न्यूज के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।